व्हाट्स अप। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, ये हूँ मैं, वो है सेकू, और अभी हम लोग निकल रहे हैं टू द एयरपोर्ट। अभी बज गए हैं 4:50, 6:30 बजे की फ्लाइट है और अभी से निकल रहे हैं हम लोग। हेलो गाइस, तो हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं, ये हमारी टिकट है, ये खालिद है, ये सेकू है और ये मैं हूँ आपका सुपरस्टार। मेरे को डर तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली गाँव। अभी जा रहे हैं कहाँ? होटल। 10 बज गए, खाना तक नहीं खाए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल या फिर पहले कुछ खा लेंगे, पहले थोड़ा रुकेंगे, अपन होटल चलते हैं, वहाँ से कुछ देखेंगे, जोमेटो से मंगवा लेंगे या फिर। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो अभी बात ऐसी है कि हमने जहाँ पे होटल करी थी, बुक नहीं करी थी, पैसे नहीं दिए थे, वो इतने अंदर है, उतनी सड़ी होटल है और इतने गंदे रूम है। ये सेकू ने फोटो देख के करी थी, मैं नहीं जानता। फोटो भी क्या लिखा है और वेबसाइट भी क्या लिखा है, 3-स्टार होटल। अभी हम लोग अच्छे खासे आए थे कि मस्त अब जाएंगे होटल और वहाँ पर कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, खाना वाना खाने जाएंगे। अब पैदल जा रहे हैं पसीना पसीना होते हुए मेन रोड तक। टैक्सी भी नहीं मिल रही, देखो टैक्सी भी नहीं मिलती, देखो कहाँ जंगल के अंदर खोल के रखे हैं, पेड़ अच्छे, नज़ारा अच्छा है लेकिन। हेलो गाइस, अपडेट, एक नंबर होटल मिल गई है खाने की, कम से कम हवा तो देखो, आप हवा देखो, हाँ हाँ हाँ, फुल पसीना पसीना। वेलकम टू आवर होटल, यह हमारी होटल है, इसका नाम है सिल्वर सेरीन। हेलो एंड वेलकम टू आवर रूम, ये है हमारा रूम। अरे कॉपीराइट गाना बज रहा है, बंद तो कर उसको, म्यूट कर देना। नहीं म्यूट कर दूंगा तो मैं कैसे बोलूँगा, जल्दी बंद कर। अभी अपन थोड़ी देर यहीं खड़े रहते हैं जब तक वो बंद कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक नंबर होटल है, इसमें पता जिम भी है, पूल भी है और इन्फिनिटी पूल है, ऐसा वैसे छोटा मोटा पूल नहीं है। देखें आप बाहर का, देखें आप बाहर का, देखो भूत है, देखो भूत निकलेगा यहाँ से, देखेगा अभी स्टेशन पे। एक काम और, तो मैं आता हूँ। चल ठीक है, जा खोल देना। जाना खोल दूंगा। अरे यार चश्मा कौन सा भूत पहनता है। तो अभी हम फिर से शुरू करते हैं गाइस। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये हमारा रूम है, ये है सेकू और ये है टीवी, ये है टेबल, कुर्सियाँ, बाहर है अच्छी सी बालकनी, ये हम सुबह दिखाएंगे, अभी अंधेरा हो रहा है। अच्छा खासा टॉयलेट है, ये मैं हूँ आपका मेन, बाप रे गेंस। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आज है डे 1 ऑफ गोवा और अभी सुबह हो चुकी है और हम लोग ने मंगवाई है इडली। ये इसका ऑर्डर ये है, हम लोग ने इससे पूछा था ये इडली खाएगा कि ये वड़ा, उसने बोला था दोनों, तो दोनों जब ऑर्डर किए तो बस ये दो आया और हम लोग की इतनी सारी इडली है। यो इताली माफिया, इटालियन जैसे ही लग रहा हूँ वैसे भी थोड़ा तो है। बस हो गया, 3-4 बस। आओ आओ आओ, ये पुल अप नहीं होता ये। ओके लेट्स गो। सेकू की जान, देखो मामो 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 मामो, हमारा स्विमिंग पूल है बस 4 फीट, सेकू तो डूब जाएगा। बाप रे कितनी प्यारी पिच है वो दिख रही है, वो दिख रही है पूरी फुल टर्फ लगी है, एक साइड तो पूरी टर्फ है, उसके दूसरी साइड नेचुरल ग्रास है। इतना शानदार नज़ारा है, वो समुद्र है, कितना शानदार लग रहा है। यो गाइस वेलकम टू द पूल, कैसा लग रहा है?
कहाँ कितना अच्छा पानी है। इसमें गाना लगा देंगे। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ए करे तारा हल हाजरत मूरत। खूब सूरत हो हे राजा जी, ए करे तारा हल। अभी हम लोग इसके सिनेमैटिक्स ले रहे हैं। तेरे भी सिनेमैटिक्स क्यों क्या? हाय हाय, ओए ओए, बंदो बंदी। अभी हम लोग मस्जिद आए थे, यहाँ की मस्जिद है। वैसे तो इसने सर्च किया था गूगल पे मैंने सर्च किया था, उस पर लिखा था कि 2 बजे है कि जमात, और यहाँ पे आए तो यहाँ तो 1 बजे हो चुकी थी और अभी 2 बजे है। लेकिन हम लोग ने ऐसी पढ़ ली कि हम लोग की है और वाली खालिद की है। ओ बिल्ली, मियाऊ मियाऊ। तो अभी हम लोग का प्लान है कुछ सी फूड खाने का। तो अभी हम लोग ने सर्च किया था, मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी, तो उसमें पता चला एक फैट फिश करके रेस्टोरेंट है, वो सबसे अच्छा सी फूड वहीं मिलता है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये देखो कितनी शानदार है, वो जो ऊपर से मैंने दिखाई थी ना, हम लोगों ने पता नहीं क्या मंगवाया है तो उसका रिजल्ट ये आया है। ये फिश है कोई सी बड़ी सी एक, और ये आलू है, वो धनिया पुदीना है, धनिया पुदीना नहीं है मतलब सलाद है, ये काले है। खालिद कैमरे में देख के हाथ हिला दे। चलो ठीक है, तो रैंक करते हैं इसको, मतलब रैंक नहीं रेटिंग देते हैं। अच्छा है वैसे। और यहाँ है प्रॉन्स, पता नहीं कैसे प्रॉन्स है, ये वाले तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। गोल्डन प्रॉन्स। कुछ कुछ निकल रहा है, प्रॉन्स की हड्डियाँ। अच्छा था है। देखो 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 देखो, ये ऑयस्टर है। क्या 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 बोले थे इसको? देखो ये लिया। वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, इसका टेस्ट बताओ कैसा है। गोश्त खाते हैं ना, गोश्त जैसा ही तो टेस्ट आ रहा है। देखो खाके देख, निकालना अंदर से सामान है ना, कैसा है? ओ, 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 ओ देख, बिना खाए रख दिया, खाया हो जैसे फ्री का बट रहा हो। मटन की सालन है ना। देखो भैया, मैंने गियर चेंज कर ली अपने, नाउ आई एम इन माय गूफी आ क्रॉक्स। इन दोनों के देखो, इन दोनों के जूतों में अभी रेत घुस जाएगी, फिर मजा आएगा इन लोग को। क्या ख्याल है इसमें, इस बात में क्या कहना चाहोगे? लिटरली मेड फॉर प्रोटेक्ट नॉट टू केयर। अब वो देखिए, बीच बीच एंड बीचेस बीचेस। बस देख लिए, चले वापस, चलो आ जाओ। अरे गोवा आए हैं और डब्लू नहीं मिला। कहाँ है डब्लू? डब्लू कहाँ है डब्लू? अबे ये तो है डब्लू, खजाना को तो खजाना। यहाँ तो मैं दिन भर भी अगर बैठा रहूँ ना तो यहाँ तो कभी बोर नहीं होऊंगा। कितनी शानदार जगह है यार, क्या बीच है। हम लोग ने क्या किया पता? उड़िया बॉप, उड़िया बॉप। देखो उस साइड देखो कितनी भीड़ है, दिख रही है उस साइड, और इस साइड देखो कितनी भीड़ है। तो हम लोग उतने दूर से चलते हुए यहाँ आखिरी में आ गए, और यहाँ पे बस ये 2-4 आंटी अंकल लोग घूम रहे हैं, और बस हम ही लोग हैं यहाँ पर। यही, और उसको देखो पता नहीं क्या कहता रहता है, बस मोबाइल में घुसे घुसे है। तुम्हारे रायपुर में, रायपुर बीच पे है वहाँ पे? नहीं है तुम्हारे रायपुर में? नदी तक के नहीं है वहाँ। है रायपुर में? कुछ नहीं है रायपुर में, सड़ा सा रायपुर है। कटनी में है? कटनी में क्या है ये दिखा तो रहा है? कटनी है तो करम नहीं है बोलते हुए? नहीं। बाप रे, ये देखो यहाँ तक गीले होगा, पूरा पैंट गया। यो व्हाट्स अप मैन। तो अभी हम लोग आए हैं स्विमिंग पूल में, और ये सब तो ठीक है, इधर का नज़ारा देखिए। फोन गया तो खालिद का जाएगा। वो देखो, वो
कैसा लगा आपको नज़ारा? अगर आपको नज़ारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ऐसा बोका बार बार नहीं मिलता बोका। अरे अपन की तो ऐसे भी दिख सकता था। हाँ, ये देखो हम लोग दिखाते हैं, ये जो है ना ये बहुत शानदार सी एक टर्फ है, और ये रहा समुद्र, अरेबियन सी, अरेबियन नाइट यहाँ पे होती है, इसके उस पार होती है अरेबियन नाइट्स, इसके इस पार हिंदी नाइट्स होती है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? That's true. है ना? वो दिख रहा है बुर्ज खलीफा, वो दिख रहा है, दिख रहा है, अगर दिख रहा हो तो कमेंट में टाइप करके दिख गया। और अभी हम कोशिश करेंगे इस मोबाइल को पानी में डालने की, क्योंकि ये 15 है तो 15 ज्यादातर वाटर प्रूफ रहता है। खालिद को अपन दूर कर देंगे पैर से, जैसा कि आप देख सकते हैं खालिद दूर हो चुका है और अभी नीचे धीरे धीरे पानी में जाएगा, धीरे 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 गया पानी में। यो हेलो गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ, वो जो गाड़ी दिख रही है सामने जा रही है, उनका पीछा कर रहा हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं थार उठाने, क्योंकि आज हम लोग थार ले रहे हैं और अभी बारिश भी हो रही है। हेलो, तो अभी ये हमारा आखिरी दिन है ये वाले रूम का। अभी मैं जा रहा हूँ थार उठाने, क्योंकि उस टाइम थार उठाई नहीं थी, वो कहीं और थी। तो अभी हमने थार ले ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं राइट कलर की है, और ये ऑटोमेटिक कौन थार चलाता है वाला? ऑटोमेटिक थार में क्या मजा आता है, और तो पेट्रोल है तो और कुछ एवरेज ही नहीं मिलेगा अब। और बाकी बढ़िया गाड़ी है, बस एक और चीज़ की कमी है कि एक ही हेडलाइट जल रही है बस इस साइड वाली, वो भी ओरिजिनल वाली हेडलाइट लगी है, LED वाली हेडलाइट नहीं लगी है, इसीलिए अभी रुके हुए हैं। तो ये है रॉयल इनफील्ड कैफ़े, ये देखिए आप, कितनी पुरानी GT गाड़ी है और ये क्लासिक बनता भी है खेलते। बाप रे ये क्या है, कितनी स्मूथ लग रही है, और ये देखो कितना शानदार थ्री व्हीलर, इतनी शानदार। क्या हो, बताओ क्या किया अभी अपन ने, हेलमेट क्यों पहने हो? अभी दिखा, ये देखो, ये मेरे एडिडास के सांबास है ना, जो ये पूरे पानी पानी हो गए, क्योंकि मैं ये चला रहा हूँ, इसलिए इंटरसेप्टर 650 आपके लिए, लेकिन चला मैं रहा हूँ के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो अभी मैं ये बदलूंगा एंड आई स्विच इट टू माय गूफी क्रॉक्स। वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये हमारी वो होटल जहां हम लोग आ रहे थे। तो ये है हमारा रूम, ये कपड़े ये सूखने को डले, ये फिर से रहा मैं, पूरे बाल खराब हो। ये देखो हमारा टब भी है। वो तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वहीं, कहाँ पे? कैंडोलिम। भाई क्या हो गया, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मजाक नहीं कर रहा। तो देखो ये देखो वो देखो, वो दिख रहा है रोमियो लेन लिखा है वहाँ पर, अभी नहीं दिख रहा क्या? इधर लिखा है रोमियो लेन। तो अभी हम लोग आए थे तीनों रोमियो लेन, हमें पता नहीं किसने कहा था, किसने कहा, हर्ष ने कहा था, हर्ष ने कहा था गोवा जाओ तो रोमियो लेन जाना जरूर यार। सोचे क्या होगा, रेस्टोरेंट है ना, हम अच्छे खासे मतलब ऐसी लोअर टी शर्ट पहन के आए, हम वहाँ तक गए, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे मवाली खड़े थे, मतलब वो बाउंसर लोग। हमने पूछा एंट्री फीस कितनी है, स्टैग की, हम लोग तीनों तो स्टैग ही हैं। फिर उन्होंने बोला 10,000 पर पर्सन। आओ चले वापस, तो 10,000 रुपए पर पर्सन, मैं तो बता रहा हूँ यार भी नहीं गया होगा वहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कहीं, कहाँ में हम एक तो भूखे पैसे फिर रहे हैं, और एक तो ये गड्ढों वाली रोड से पता नहीं कहाँ बना है ये लोग, नहीं कि एक तो रोड वोड बना दिए होते तो नहीं, महंगा ले रहे हैं, रोड भी नहीं, रोड भी नहीं बना रहे, 10,000 रुपए एंट्री और ये रोड है, ये देखो ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है। अभी हम लोगों ने केले लिए होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बहुत कमी हो रही थी और एनर्जी की बहुत कमी हो रही। अभी मैं ये फेंकूंगा गाड़ी से चलते हुए,
तो ये पीछे चलता रहेगा तो ये फिसल जाएगा, तो फिर आगे देखते हैं अपन क्या होता है। मैंने टोपी इसकी लगा ली है क्योंकि मैं खास खोल के चला रहा हूँ, क्योंकि ये जम जाता है। वो देखो उस साइड दिखा के चला जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कड़क है। कच्चा ही है वे, थोड़ा सा कड़क नहीं है। हेलो गाइस, तो अभी है हम लोग कहाँ, वारसा बीच में। कितना प्यारा बीच है ये, कितना शानदार बीच है। यहाँ से नदी बह रही है और ये पता नहीं क्या आइलैंड जैसा बना है, लेकिन ये बीच तो देखो, ओ माय गॉड। हवा देखो, हवा हवा देखो। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बीच के बारे में? बहुत शानदार मौसम है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, कि बिल्कुल मज़ा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना। और खा ले, तेरा दिल क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन दे जल्दी। इंट्रोडक्शन मतलब ये क्या है? अभी अपन कहाँ है? अभी आए अपन एक इटालियन रेस्टोरेंट। इटालियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है टस्कनी गार्डन्स। और अभी हम लोग ने मंगवाया ये स्पगेटी, पता नहीं कौन सा था, बहुत बड़ा सा नाम था, ये मंगवाया हम लोग ने। और एक पिज़्ज़ा भी आने वाला है। और वहाँ पर चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, देखते हैं आज कौन जीतता है। तो देखो अभी हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, तो इसमें मसाला डालते हैं बोले ये दोनों। मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता है ये क्या है? You, what is that, brother? Oregano is the best. खतरनाक था ये तो। यो ये और इंडिया लग से जीत गई भाई। मेरा तो गला बैठ गया है। हाँ बैठा है। ये देखो एक चीज और बता दूँ, ये डीएस इसका नाम था, डीएस का उल्टा जेड होता है भाई। मेरा ही गला है, मतलब कभी भी आना हो तो आ जाना, नाम बता देना। मतलब मालिक के दोस्त है, उसने देंगे वो लोग पैसे लेके। लो अपडेट दूं। हेलो गाइस, तो अभी है लास्ट डे। अभी सुबह सुबह 10:30 बजने वाले हैं। और वो जो बाइक है जो हम लोग ने ली थी, वो दिखा दो, दिखा दो पीछे आ रहा है क्या? यस, वो देखो दिख रहा होगा, दिख गया क्या पता। तो वो ही बाइक छोड़ने जाना है, उसका टाइम था छोड़ने का 11 बजे, अभी 10:30 बज गए। कौन सा कलर बताओ? आओ तो चलें, जूते तो पहन के आया हूँ मैं, चप्पल पहन के आया है। तो ये देखो, ये वाला स्पॉट है जो दिल चाहता मैं, वो तीनों बैठते हैं ना पहाड़ के ऊपर। यही है फोर्ट है, कौन सा फोर्ट है ये? कोयसा फोर्ट है। देखो इतना खतरनाक नज़ारा है। वाली होटल कौन सी है? तो मेरी ही है, प्राइवेट। ये देखो रील बना रहे हैं, देख तो लो। गरम नहीं आ रही, वो भी मेरा फोन लेके। देखो अभी हम तीनों जाएंगे वहाँ कहीं थोड़ा दूर, वहाँ से रेस लगाएंगे जब तक कैमरे से बाहर ना निकल जाए। तो जो जीता वो नहीं, जो हारा वो आज का खाने का पैसा देगा, ठीक है? देख लो भैया, मैं नहीं जानता। कहाँ से कहाँ तक? वहाँ से यहाँ। ये लोग
बोलना है कि मैंने चीटिंग करी है, ठीक है? एक बार और करेंगे। कौन आ रहा? आज का खाना तेरी तरफ से। हार गया। दो बार आ रहा ना? दो बार आ रहा ना? दो बार। हेलो, तो अभी हम लोग आ चुके हैं रोमियो लेक पर। अभी हम लोग को मंगवाना है एक मार्गरिटा पिज़्ज़ा और मंचूरियन, और ये नीचे बैठने का है। तो यहाँ पे शायद डांस वांस रहता होगा, इतना अजीब सा हो रहा था तो लग रहा है, पता नहीं किस बात का। पता है आपको मांगते हैं 600 के मंचूरियन? तो देखो क्या लग रहा था। दिल्ली दरबार आएंगे। अभी हम लोग दो दिन पहले आए थे और रोगन जोश खाए थे तो बहुत शानदार लग रहा था, तो आज फिर से हम लोग आए रोगन जोश खाने और लस्सी आ चुकी है। इसको 6 बज गए, 6 बजे पहुंचने का बोला था ना अपन ने। ओए हाँ, अभी अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बता दूँ